हेलो सिटीजंस, आज वो टाइम आ चुका है कि आज के पेपर में आप अपना बेस्ट देने वाले हो। इतना सारा एफर्ट, इतनी जो मेहनत आपने करी है, वो ये पेपर को बेस्ट बना के रहेगी। तो आज के इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला, क्या डूज एंड डोंट्स हैं आपको पेपर देने जाने से पहले और पेपर देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान देना है, और साथ में वो 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करने हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग का, मुझे मालूम है ये हाई टाइम है, आप सब के सब बहुत मेहनत कर रहे हो और वैसे ही करते रहो, फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। आपने फोकस रखना है अपने एग्जामिनेशन पर। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले, सर क्या क्या करना है। तो देखो, जल्दी से मैंने यहां पे लिखे अराउंड 10 पॉइंट्स। इन 10 पॉइंट्स को आप देख लो, मैं इसमें जो मेन मेन एलिमेंट है वो आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले, रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एट 1:15 PM। आपको 1:15 तक, मैं स्पेसिफिक टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या होता ना, कई बार ऐसा बोल तो दिया जाता है कि आप पहुंच जाना, बट वो टाइम क्या होगा वो डिस्क्राइब नहीं होता। सो दैट मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, 1:15 तक पहुंच जाओ, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 1:30 तक एंट्री मिल जाएगी, 1:45 पे कॉपी मिल जाएगी और पेपर भी मिल जाएगा। 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है ना, वो 1:45 पे आपके पास होगा पेपर। तो कंफर्म रखो कि आपने वो काम कर लेना है। सेकंड पॉइंट की बात करें, यूज ब्लैक बॉल पॉइंट, मतलब सिंपल है, हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही ले जानी है, साथ में ब्लू पेन रखनी ही नहीं है। मतलब कोई कुछ भी बताता है, बट दिमाग में एक चीज रखो कि भाई ब्लू पेन रखेंगे नहीं। थर्ड पॉइंट की बात करें, चेक द पेपर कोड। आपका एग्जामिनेशन सेंटर में जिस क्लासरूम में आप होगे, वहां पे पेपर कोड लिखा जाएगा, जो आपका एग्जामिनी होगा वहां पे वो पेपर कोड लिखेगा। तो एक बार चेक कर लेना उनका पेपर कोड, आपका पेपर कोड मैच हो रहा है कि नहीं। फिर आता है चेक द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पे लिखा हुआ कितने पेजेस हैं, तो फटाफट से सीधे पलट लो और लास्ट पेज चेक कर लो, उतने पेज अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत का तुरंत आप उनको बोलोगे, वो आपको नया पेपर अलॉट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मार्क्स टिक अगेंस्ट द क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट इन द फ्रंट कवर ऑफ आंसर बुक। जिन क्वेश्चन आप कॉपी में सॉल्व कर लोगे, उनको आंसर शीट के सबसे फ्रंट पेज पर लिखा होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उनको मार्क कर देना कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। फिर बात है अल्लाह, अब जो एडमिट कार्ड है ना, उसकी एटलीस्ट 4 कॉपी रखो, ये है आपका बैकअप प्लान। एक कॉपी आप मम्मी पापा को देके जाना, एक कॉपी कहीं घर पे रख के जाना, एक कॉपी लेके जाना। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे से उसकी एक कॉपी छूट गई, कहीं गिर गई और उसको दिक्कत होती है, इमोशंस बीच में आते हैं, उसको परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ दिमाग में रखनी ही नहीं है, आपको पता है बैकअप प्लान है भाई, अगर गिर गया कोई बात नहीं, मस्त होकर घर जाओगे, पापा वो जरा बैकअप प्लान मेरा देना, तो एक कॉपी दे दो, है ना। ये सेट रखो, 2 पेंसिल रखो, 2 इरेजर रखो, 1 शार्पनर रखो, 1 स्केल और वाटर बॉटल ज़रूर रखो, क्योंकि जब जब आपको ऐसा फील हो कि या थोड़ा नर्वसनेस लगे, एक सिप लो, मस्त सा एक ग्लास पानी पियो, ठंडे दिमाग से सोचो कि ये पेपर में क्वेश्चन कैसे होना है, और बिलीव मी वो टाइम ऐसा होगा आप पेपर मस्त करोगे। आपको तो नर्वसनेस होगी और ये होता भी है, बट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले अपने आप को बता के जाना है कि भाई अच्छा लास्ट में कुछ बात ऐसी करूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, वो हो जाएगा आपसे। डोंट आस्क एनीवन हाउ मच यू कवर। एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच के किसी बच्चे से ये मत पूछना कि भाई तुम्हारा कितना कवर हो गया है, भाई तुमने क्या क्या कर लिया, नहीं क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं, आपने जितना पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है, बिलीव मी। अब बस पेपर का वेट करो, इस पेपर को आप रॉक कर दोगे, आप इसको बिलीव करो, ठीक है। फिर बात आती है वेयर फॉर्मल्स। हाँ, फॉर्मल अटायर में रहे, इसलिए नहीं कि आप सीए कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप फॉर्मल अटायर में रहेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, जो आपके लिए कंफर्टेबल ड्रेस हो मेक श्योर वो पहनो। अगर कोई गर्ल्स है, अगर वो इस वीडियो देख रही है जो कि मेजॉरिटी ऑफ फैमिली मेंबर में अवेलेबल हैं, उनसे बोलना चाहूँगा मेक श्योर कि आपकी जो ड्रेस है वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं हमको वेयर करना है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे बॉयज़ है, कि हमको लाइक लोगों को अच्छा लगने लगे, नहीं, बहुत सिंपल रहना है, हमें किसी का अटेंशन ग्रैब नहीं करना। एक सिंपल से स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमें किसी का भी अटेंशन ग्रैब नहीं करना, हमें नहीं ये बिल्कुल नहीं सोचना है हम कैसे लग रहे होंगे, नहीं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हम लाइक हम जब टहल भी रहे होंगे ना वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन देने से पहले, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सामने वाला मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो उसको मैं कैसा लग या कैसा लग रही हूँ, नहीं, हमारे माइंड में सिंपल चल रहा हो कैलकुलेशन, क्वेश्चन कैसा है, कैसे लिखना है, कब कब अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन के 15 मिनट जो होंगे स्टार्ट करने में वो हमें सर ने कैसे बताया था, कैसे यूटिलाइज करना है। आप सारे सिटी से फैमिली के मेंबर हो, तो मैं बिलीव कर रहा हूं आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखोगे। फिर बात कर लेते हैं सिंप्लीफाइड डाइट।
मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप अच्छा लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो आप सर देखो पेपर आपका 2 बजे, तो लंच जो आप करके ना करना ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं, बट बहुत बहुत लाइट, सिंप्लीफाई रखना, बहुत लाइट रखना, कुछ भी फास्ट फूड वगैरह मत खाना, क्योंकि क्या होता है ना दोपहर का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हमको थोड़ा सा नींद आलस आ रही होती है, और वो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए थे पॉसिबल है, तो ध्यान रखो हल्का खाना खाओ, पानी साथ में रखो, आप पानी वहाँ पर हल्का हल्का पीते रहो, जब भी आपको लगे नर्वसनेस है, नर्वस फील करो, उठाओ पानी मस्त थोड़ा सा पियो और आराम से बैठ के सोचो क्या करना है, लोगों को मत देखो आइस क्लोज को, सोचो यार इस पेपर में क्या होने वाला था, इस क्वेश्चन में मुझे क्या लिखना है, और आपको कन्फर्मेशन में वो चीज़ दिमाग में आएगी। लॉ का पेपर करते हो बार बार दिमाग में आपको एग्जाम्पल सोचना है कि इस पर कौन सा एग्जाम्पल फिट बैठता है, आप आंसर मस्त लिखोगे। तो ये तो है जो आपको करना है सर, क्या नहीं करना है, सबसे पहले डोंट राइट रोल नंबर इन एडिशनल आंसर बुक, एक कॉपी से ज़्यादा कॉपी ली तो वहाँ पे आपको रोल नंबर नहीं लिखना। सेकंड, डोंट राइट एनी सिंबल्स प्रेयर्स, सर जो भी हमारे लाइक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो धर्मों से हैं लोग, आप अपने धर्म का कोई भी सिंबल, कोई भी नाम, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डोंट लीव सीट विदाउट परमिशन, सर जो वहाँ पे अवेलेबल है उससे बिना पूछे सीट से नहीं उठना, कहीं मत जाना, क्योंकि ये एक फॉर्मल वेल में आता है, अगर आप उनसे एक बार पूछ लेते हो तो आप उनके लेवल पे भी हो तो बड़ा लड़का मस्त है ना, फॉर्मल है, आप ऐसा मस्त उठे राजाओं जैसा नहीं करना, ऐसा कुछ मत करना जिससे आपके और उस जो क्लासरूम में टीचर अवेलेबल है उसमें और आप में कहीं से भी नेगेटिविटी आए, आप पॉजिटिव रहो वो पॉजिटिव, कुछ भी ऐसा पॉइंट मत करना जिससे कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो। फिर बात आती है अवॉइड जंक फूड, पहले डिस्कस कर चुका हूँ। डोंट फॉरगेट टू रिव्यू योर पेपर अंडरलाइन, जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो एक बार फिर से पेपर पलट लेना, कौन से पॉइंट पे अंडरलाइन कर सकते हो वो कर देना, एंड बिलीव मी जितना एफर्ट आपने डाला है, ऐसे बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो पहले पेपर में इतना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, मुझे आप सब पे भरोसा है कि आप आज का पेपर बहुत अच्छा करोगे। सो आखिर में बात करते हैं इस 15 मिनट की, कैसे यूटिलाइज करना है इन 15 मिनट्स को। देखो सबसे पहली बात कर देता हूँ, पहले 5 मिनट अलग होंगे, अगले 10 मिनट अलग होंगे, रिपीट करता हूँ, पहले 5 मिनट क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को इग्नोर कर दो, बिकॉज वो कंपल्सरी इग्नोर करने का मतलब करना है, लेकिन हम पहले 5 मिनट उसे नहीं देखेंगे, रीजन साफ है, वो हमें करना ही करना है, इंस्टीट्यूट ने बोला है वो क्वेश्चन कंपल्सरी है, तो हम अपना टाइम उस पर क्यों खर्च करें, बात समझ आ रही। अब बस से हमारे पास रिमेनिंग जितने बचे हुए क्वेश्चन उनमें कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है, क्योंकि अलाउ है ना एक क्वेश्चन स्किप करना, तो ध्यान रखो कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है उसको टिक कर लो, वो टिक आप ऐसे करो वैसे करो जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन टिक कर लेना। फिर 15 मिनट के बाद जो हमारे पास अगले 10 मिनट बचते हैं, 5 मिनट हमारे जाते हैं ये चेक करने में कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, और पहला क्वेश्चन तो हमें देखना ही नहीं, वो सॉल्व करना ज़रूर है। अगले 10 मिनट में की पॉइंट्स पूरे पेपर में हम क्वेश्चन रीड करेंगे, अगर क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ना, क्वेश्चन किस एक्ट से रिलेटेड है, क्वेश्चन की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग से उसको सर्कल कर लेना, और बहुत लाइट पेंसिल सर्कल करना, पेन बिल्कुल यूज़ मत करना, लाइट पेंसिल सर्कल करना, अगर आपके पास एग्जामिनर आता है बोलता है ये आप क्या करो, सॉरी सर मुझे पता नहीं था, इरीज सिंपल है, किसी बहस में मत पढ़ना कि कहीं लिखा नहीं एडमिट कार्ड में, नहीं कोई बहस हमें नहीं चाहिए, किसी तरह की नेगेटिविटी हमें आपस में नहीं चाहिए, आई विश कि आप समझ रहे हो क्या करना है। सर अब बात कर लेते हैं एंड पॉइंट की, देखो यार एज अ फैकल्टी एज अ फैमिली मेम्बर आप सबके लिए एक ही प्रे कि आप पेपर बहुत अच्छा करोगे, प्रे ही नहीं है मुझे बिलीव भी, क्योंकि मैंने आपके साथ एफर्ट डाला है, मुझे पता है कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, मेहनत कहीं वेस्ट नहीं जाती, जो भी आपने पढ़ा है या आपके पेपर में रहेगा पेपर में दिखेगा, बस हाँ पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहना, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बोला सेंटर पहुंचने के बाद किसी से बात मत करना इस बारे में तुम्हारा प्रिपेयर कितना है, हाँ बाकी आप बात कर सकते हो कोई टेंशन की बात नहीं, हंसो खुश रहो कोई इशू नहीं है। अब सबसे आखिरी में पेपर देने जाने से पहले एक बार माँ या पापा को कॉल कर लेना, अगर वो साथ में है तो आराम से उनसे बात करना कि मम्मी पापा पेपर देने जा रहा हूँ एंड आई बिलीव कि सब पेपर अच्छा हो, पेपर मेरे फेवर में हो, एक काम ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपकी हमेशा केयर करते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि आपका पेपर या आप कुछ भी करने जा रहे हो ना कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे, वो हमेशा सोचते हैं आप सबसे अच्छा करो। तो सबसे पहली बात आपको पेपर हॉल में इंटर होने से पहले एक बार कॉल ज़रूर कर लेना है कि मम्मी पेपर देने जा रहा हूँ, वो आपको बहुत प्यार से विश करेंगे, यस जाओ बेटा चिंता की बात नहीं पेपर बढ़िया करोगे आप। क्या होता है ना हम लोग अक्सर इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं,
बात बहुत छोटी है बट है बहुत इम्पैक्ट इसका बड़ा। एक बार इनसे ज़रूर बात कर लेना कि आप पेपर देने जा रहे हो, तो वो जो भी बोले ना आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र होगा। सेकंड सर, एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होने से पहले मेक श्योर कि आप एक छोटी सी चॉकलेट ज़रूर खा के जाओ। कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, मैं ऐड नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, हाँ ज़रूर ये बिलीव करता हूँ, अगर आपने कुछ हल्का लिटिल बिट आपने लिया हुआ है तो आपको ना कहीं कहीं एक अच्छा मूड होगा आपका कि यार आज तो पेपर में चक दे फटे है, मज़ा आने वाली है। और एट द एंड भाइयों ऑल दी वेरी बेस्ट, और यस CTC फैमिली के मेंबर होने की वजह से रियली प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप आज अपना पहला पेपर देने जा रहे हो। CA जर्नी में आज आपका फर्स्ट पेपर है एंड आई बिलीव आज अपना बेस्ट होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड गुड।